पोलैंड से एक जहाज चला। जहाज में 500 औरतें और 200 बच्चे सवार थे। दुनिया के किसी भी देश ने उस जहाज को अपने बंदरगाह पर उतरने की इजाजत नहीं दी। यहाँ तक कि मुंबई में अंग्रेज सरकार ने इस जहाज को अपने बंदरगाह पर उतरने से मना कर दिया। इसके बाद हिंदुस्तान के एक राजा ने हस्तक्षेप किया और इतिहास की तारीख बदल गई। क्या है पोलैंड से चले जहाज की पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय इतिहास में कितने ही ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में आज भी लोग अनजान हैं। हम आपको आज एक ऐसे ही किस्से के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। ये कहानी है जामनगर के राजा की, जिन्होंने पोलैंड के 700 लोगों को शरण दी, वो भी तब जब सब ने उन्हें अपने यहाँ शरण देने से इनकार कर दिया। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, तब महिलाओं और बच्चों की रक्षा के लिए पोलैंड के सैनिकों ने 500 महिलाओं और लगभग 200 बच्चों को एक बड़े समुद्री जहाज में बिठाकर समुद्र में छोड़ दिया ताकि उनका जीवन बच सके। जहाज के कैप्टन से कहा गया कि इन्हें किसी भी देश में ले जाओ जहां इन्हें शरण मिल सके, अगर जिंदगी रही और हम बचे रहे तो दोबारा मिलेंगे। 500 शरणार्थी महिलाओं और 200 बच्चों से भरा वो जहाज कई देशों में गया। ये ईरान के सराफ बंदरगाह पहुंचा। वहां किसी को शरण तो क्या, उतरने तक की अनुमति नहीं मिली। फिर सेशल्स में भी अनुमति नहीं मिली। यमन के बंदरगाह अदन में भी अनुमति नहीं मिली। काफी दिनों समुद्र में भटकने के बाद वो जहाज मुंबई पहुंचा। यहाँ भी तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने जहाज को किनारे लगने से मना कर दिया। ये खबर तब गुजरात के जामनगर के राजा तक पहुंची। उस समय जामनगर के महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह थे, जिन्होंने भूख प्यास से बेहाल और कमजोर हो चुके उन 500 महिलाओं बच्चों को अपने राज्य में शरण दी। महाराजा ने कहा, मैं क्षेत्र का बाप हूँ और तुम मेरे राज्य में आए हो तो तुम्हारा भी बाप हूँ, इसलिए तुम्हारी हर जरूरत पूरी की जाएगी। महाराजा ने उनके लिए अपना एक राजमहल, जिसे हवा महल कहते हैं, वो रहने के लिए दिया। अपनी रियासत के सैनिक स्कूल में उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की। ये शरणार्थी जामनगर में कुल 9 साल रहे। बाद में ये सब अपने देश लौट गए। उन्हीं शरणार्थी बच्चों में से एक बच्चा बाद में पोलैंड का प्रधानमंत्री भी बना। आज भी हर साल उन शरणार्थियों के वंशज जामनगर आते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। पोलैंड की राजधानी वारसा में कई सड़कों का नाम महाराजा जाम साहिब के नाम पर है। उनके नाम पर पोलैंड में कई योजनाएं चलती हैं। हर साल पोलैंड के अखबारों में महाराजा जाम साहब दिग्विजय सिंह के बारे में आर्टिकल छपता है। प्राचीन काल से ही भारत वसुधैव कुटुम्बकम की धारणा में यकीन करता रहा है, दुनिया को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता आया है। हमें गर्व है अपने महान भारत की महान संस्कृति और इतिहास पर।